नमस्कार, आदाब और सत श्रीकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास के बारे में स्टडी करेंगे। यानी इस वीडियो हम ये समझेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस तरीके से बना, उसके अंदर कितने मेंबर्स है और उसके अंदर जो एजेंसीज है या फिर यूं कह लीजिए कि जो उसके अंदर प्रमुख विभाग है वो कौन कौन से हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। तो अगर स्टार्ट करें देखें तो हमें ये पता चलता है कि पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। यानी जब विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं जो दुनिया थी या कह लीजिए जो देश थे उनको ही लगने लगा कि जो हमारे बीच में जो झगड़े होते हैं उनके निपटारे के लिए एक संगठन होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो हमारे इन झगड़ों को सुने और उनका निपटारा करे। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ और इसी को देखते हुए एक संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 में हुआ था उसे रोक नहीं सका। यानी जो लीग ऑफ नेशंस था उसको इस वजह से बनाया गया था तो ताकि जो देश के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ऐसी कंडीशन दोबारा ना हो सके, इट मींस कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो सके। लेकिन लीग ऑफ नेशन ऐसा नहीं कर पाया। उसका मेन मोटिव था कि लड़ाई झगड़ों को रोकना, देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे उनको रोकना, पर लीग ऑफ नेशन ऐसा नहीं कर पाया और जिसकी वजह से जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था जो कि 1939 से 1945 के बीच में था वो दोबारा हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देन क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशंस था उसके उत्तराधिकारी के रूप में कह लीजिए कि लीग ऑफ नेशंस को खत्म किया गया और उसके बदले उत्तराधिकारी के रूप में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये आप याद कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस का संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तराधिकारी है। इससे ये उम्मीद भी थी कि लीग ऑफ नेशंस ने नहीं किया वह ये संगठन करके दिखाएगा। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया था, जो वॉर को ये रोक नहीं पाया था, अब संयुक्त राष्ट्र संघ से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये अब वॉर नहीं करेगा, मतलब जो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको ये पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा और बातों में ही सुलझाएगा, ना कि वॉर तक पहुंचाएगा। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या अगर हम देखें, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो उस वक्त उसके सदस्य 51 यानी 51 कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व थी। वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है आपको ये सर्च करके खुद पता करना है कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कितने सदस्य है, क्योंकि ये चेंज होते रहते तो मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बार आप खुद चेक कर लीजिए कि अभी करंट में कितने मेंबर्स हैं। दूसरी चीज, 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। और ये भी याद कर लीजिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट और दिया गया, वो दिया गया है कि आम सभा के हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। यानी जो वहां की आम सभा है, आम सभा क्या है हम आगे की वीडियो में हम स्टडी करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि जो आम सभा है उसमें हर एक जो सदस्य है उसको एक वोट हासिल है। दूसरा पॉइंट आता है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है। और अगर ये भी आप याद कर लीजिएगा कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगर हम आगे देखें तो हमें ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हम ये समझ गए उसको क्यों बनाया गया, लेकिन बेसिकली कब बनाया गया ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब हमें ये समझना है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो उसका बनाने का पर्पस क्या था। हालांकि हम ये बात जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को इस वजह से बनाया गया था ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, तो और देखते हैं और क्या क्या उसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये संगठन विभिन्न देशों के बीच
जाति ऐसे झगड़ों को रोकने की कोशिश करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकती हैं। तो जो ये संगठन है, ये जो देशों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उनको रोकने का काम करेगा, कोशिश करेगा कि वो जो झगड़े हैं वो सुलझाए जाए जो आगे चल के युद्ध का रूप ले सकते हैं। यानी ऐसे झगड़े जिनका डर है कि आगे चल के कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ सकती हैं, युद्ध का रूप ले सकते हैं, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कोशिश करता है कि इन झगड़ों को क्या किया जाए, रोका जाए, बातचीत करके हल निकाला जाए। दूसरा पॉइंट आता है कि मान लेते हैं अगर ये ऐसा नहीं कर पाए, मान लेते हैं अगर युद्ध हो जाए, अगर युद्ध छिड़ जाए हो जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इट मींस कि अगर वॉर हो जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉर के अंदर क्या होता है कि जो अकेली कंट्री आपस में वॉर नहीं करती, वो अपने साथ और भी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लेती है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये वर्क रहेगा कि वो कम से कम देशों को ये उसके अंदर जोड़ने का काम करे। इट मींस कि मान लेते हैं जैसे ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में आपस में हो गया वॉर, तो ये क्या करेगा, जो बी है वो भी अलग अलग कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश करेगा और जो ए कंट्री है ये भी अपने साथ अलग अलग कंट्रीज को लाने की कोशिश करेगा। तो यहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ का ये काम हो जाता है कि वो इन कंट्रीज को आने से रोके और दायरा ना बढ़े, क्योंकि जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी उतना ही युद्ध बढ़ेगा और उतना ही नुकसान होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा, लोग बहुत मारे जाएंगे, देश का विकास रुक जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम आगे अगला पॉइंट देखें तो चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव में खड़े होते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है मेनली जो रीजन होता है जो दो देश आपस में क्यों लड़ते हैं, उसका मेनली जो रीजन होता है वो ही होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव, यानी वहां पे सुख सुविधाएं नहीं रहते, वो उतना डेवलप नहीं होता, तो उनका मानना रहता है कि लड़ झगड़ करके वो ऐसा उनकी संपत्ति को अपने में कर लेंगे और वो डेवलप हो जाएंगे, वो विकसित हो जाएंगे, पर ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। तो ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ये हो जाता है कि एक मंशा है इसकी कि जो अलग अलग देश है जहां पे सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाएं नहीं है, वहां पे उन संभावनाओं को डेवलप करना, और ये तभी हो सकता है कि जब विभिन्न देश क्या हो जाए, एक साथ हो जाए, तो आप जब सारे देश मिलकर एक साथ वर्क करेंगे तो हर देश का विकास यकीनन होगा। अगर हम आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो लगभग लगभग सारे स्वतंत्र है, यानी वो आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है। अब यहाँ पे एक मेन स्टार्ट होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, यानी जो संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसके कुछ प्रमुख अंग हैं, उसको आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि है सुरक्षा परिषद है, महासभा जिसे हम आम सभा के नाम से भी जानते हैं, तीसरा सचिवालय है, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और छठा हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे हम न्यायसिता परिषद भी कहते हैं। हालांकि जो ये सिक्स्थ वाला है इसको स्थगित कर दिया गया, स्थगित मीन्स इसे खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांच मेन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है, इनके क्या कार्य हैं, ये हम आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। और अगर हम आगे बढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर जो सबसे अधिक चेहरा दिखता है, जो सार्वजनिक चेहरा होता है, जिसको लोग ज्यादा देखते हैं, फेस करते हैं, वो होता है उनका महासचिव। और ये महासचिव कौन होता है, वर्तमान में कौन है, ये आपको पता करना है कि वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है। महासचिव को हम हेड कहते हैं, कह सकते हैं कि जो हर चीज को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कह लीजिए वो मुखिया होता है, जो महासचिव होता है वो इन सभी को इसी की निगरानी में सारे काम लोग करते हैं, हेड महासचिव ही होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर महासचिव कौन है वर्तमान में, ये आपको पता करना है। अगर हम आगे बढ़ें
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों के बारे में आपको आगे की क्लासों में पता चलेगा कि ये एजेंसियां क्या क्या होते हैं। कुछ एजेंसियों के बारे में आपके इस बुक में दिया गया है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी एजेंसियों के बारे में नहीं दिया गया है। यहाँ पे उन एजेंसियों के बारे में दिया गया जो बहुत ही ज्यादा मेन है, जैसे कि दिया गया WHO जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद करना है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हेल्थ से रिलेटेड ये काम करता है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये काम करेगा। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी ये ह्यूमन राइट्स के लेकर बात करेगा, जैसे हमें जीने का अधिकार है, हमारे साथ कोई शोषण ना हो, इसके लेकर वर्क करता है। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो यानी रिफ्यूजी के लिए बनाया गया, उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, ये उस पर वर्क करता है एजेंसी। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो जो ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ये चिल्ड्रंस के रिलेटेड काम करता है, उनके लिए फंड इकट्ठा करता है, उनके लिए वर्क करता है, इसका ये वर्क है। यूनेस्को जिसे हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो जो यूनेस्को होता है कह सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है। सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जो सोशल लाइफ है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, अच्छा मेंटेन करने का काम करता है, और आपका जो कल्चर है उसको प्रमोट करने का काम करता है, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो। और अगला आता है ILO जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये इसका मेनली काम होता है कि जितने भी लेबर है, चाहे अमीर से अमीर चाहे गरीब से गरीब, ये सारे जो लोग वर्क करते हैं वो सारे लेबर कहलाए जाते हैं। तो उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कि उनको जिस भी वो कंडीशन में वर्क कर रहे हैं उनकी कंडीशन अच्छे, उनके साथ शोषण ना किया जा रहा, तो ILO इस तरीके के काम करते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो इसमें मेन है जो आपकी बुक में दिया गया, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।